ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा नंबर असद, फोन क्यों ऑफ था? नहीं नहीं फोन ऑफ नहीं था, हॉस्पिटल में ना, इस वजह से शायद सिग्नल्स का इशू होगा। हॉस्पिटल में? तुम हॉस्पिटल में क्यों? खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है, मैंने रिश्ते से मना किया इसलिए फरार ने अपना हाथ काट लिया। या अल्लाह कैसी है वो, अब ठीक तो है ना असद? जी अम्मी। पानी लेके आओ खाला। अच्छा जी, हेलो, रुक जाओ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। आदिल, अम्मा चाय पिला दो। आदिल इधर आ मेरे पास। यार क्या हो गया दादी? इधर 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 बैठ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ यहीं थी मेरे पास, बहर आई, रो रही थी, चीख रही थी, तुम्हारी माँ भी रोते हुए उसके साथ चली गई। क्यों क्यों रो रही थी? यही तो मुझे कोई नहीं बता रहा, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ पर अभी नहीं सुन रही। आदिल जल्दी से आके मुझे बताना कि क्या हुआ है वहाँ, कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी नहीं सुन रहा। या अल्लाह खैर करना, क्या हुआ? परा सुने ही सुन रही, कोई नहीं सुन रहा। बानो खाला, बानो खाला, क्या हुआ? कोमल वो दादी बता रही थी कि बानो खाला हमारे घर रोती हुई आई है। वो फरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? फरा ने अपनी कलाई काट ली थी, बहुत खून बहा, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। क्यों? दरअसल मुझे सच सच बताओ क्या बात है कोमल? मुझे नहीं पता, तुम उनसे खुद ही जाके पूछ लो। वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन अगर ये सब असद की वजह से हुआ है ना तो तुम उसकी सलामती की दुआ करो। बोलो ना फरा, दर्द तो नहीं हो रहा हाथ में? हाँ इधर देखो मेरी तरफ, क्या पूछ रही हूँ? ऐसे क्यों चुप हो? असद से कहें यहां से चला जाए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? असद की वजह से तो तुम, तुम्हें पता है फरा, जो खून तुम्हें चढ़ा है वो असद ने दिया है तुम्हें। ठीक कह रही हूँ ना पापा मैं? हाँ ठीक कह रही हूँ, सब ठीक हो जाए। रहने दे खाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से। कोई इसकी वजह से कितना परेशान है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे। मुझे घर जाना है अम्मा। फरा नहीं सकते, मुझे नहीं यहाँ पे।
इसको मोहल्ले यहाँ से जाओ। आओ बेटा। जानती हूँ फरा, असद की इस बेवकूफी की हरकत की वजह से तुम्हारे दिल पे क्या हो सकता है। मुझे समझ नहीं आया उसने ये बात कर कैसे, लेकिन तुम यकीन रखो जैसा उसने कहा है वैसा हरगिज नहीं है। बहुत शर्मिंदा है अपने किए, वो अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा। परेशान है तुम्हारे, बस बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या किया तुमने है? क्या किया तुमने बोलो खाली? क्या किया? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में है। ना तुम शादी से इंकार करते और ना वो अपनी कलाई काटती। बस ये हॉस्पिटल है संभालने की। कैसे की तुमने जुर्म? कैसे की इंकार करने की? कहीं रे इंसान, तेरी दिल जाग मेरी बहन इस हालत में पहुंची। क्या करो, पागल हो गए तुम? हॉस्पिटल है भाई। अबे तू तो जाए यहां से, छोड़ दे। तू भी जा, तुझे मैंने क्या करूं? तुझे मैंने पागल हो गए? मेरे दोस्त भाई बहन का हाल करने का पागल हो गए? पागल हो गए तुम लोग? हॉस्पिटल है तभी जाइए क्या? बस कर दो। अरे मैं तुम तो छोड़ रहा हूं, बाहर जाओ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू देख मैं तेरा क्या करता हूं। बाहर जाओ। अबे तू देख मैं तेरा क्या करता हूं। इधर हट ना, छोड़ मुझे यार। मैं तुम तो चलो आगे। बेटा आप, मुझे तो असद दिलो जान से पसंद है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब सच पूछे तो मेरे दिल की भी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहन की शादी उससे हो, मगर जाहिर सी बात है भाई हूं, कह तो नहीं सकता ना उससे। हाँ कह रहा था कि एक दो दिन में माँ और बहन को लेकर आएगा यहाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना प्रमोशन का? बात की भी है मैंने, बट 6 महीने का उन्होंने कहा था, देखें क्या बनता है। चलो अल्लाह कामयाबी दे। क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, क्यों मुझे लाई हो यहाँ? जान से मारेगा उसे? हाँ मार दूंगा उसे, उसी की वजह से मेरी बहन इस हालत में आई है। तमाशा मत बनाओ, ये अस्पताल है, कर रही है तुम्हारा खराब कर दिया इसने मेरा, वास कर रहा है आगे से। मेहरबानों ने कहा वो समझाएगी, वो मान जाएगी। हाँ, और नहीं माना फिर लाओगी इसे इधर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। जाओ 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 यहाँ से, जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, बकवास ज्यादा ना करो, ये अस्पताल है, जाओ, मुझे परेशान ना करो, जाओ यहाँ से। ये ले दादू खाना। आमना कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? दादू मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहीं पे है। अब आप खाना खाएं और सो जाएं, वो भी आ जाएंगी। नहीं नहीं मैं सोऊंगी नहीं, पहले खाना खाऊंगी। जी जी आप खाना खाएं। असद ने शादी से इनकार करके तुम्हारी माँ का दिल दुखाया है ना, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है।
जाके देखो डॉक्टर के पास लेके गए या नहीं। डॉक्टर के पास लेकर गए हैं और डॉक्टर ने दवाई भी दी है। अब आप दुआ करें। क्या? डॉक्टर के पास लेकर गए थे और दवाई भी दी है उन्होंने। अब आप दुआ करें। मेरी दुआएं तो सब तुम्हारे साथ हैं। फिक्र न करो, मेहरबानो ठीक हो जाएगी। जी जी, बस अब आप खाना खाएं वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊं। नहीं नहीं, मैं खाना खाऊंगी, तुम भी खाओ। जी जी, मैं खाती हूँ, आप खाएं। चलो पकड़ो, मेरे साथ खाओ। असद, लुबना, तुम क्यों आ गई यहाँ पे? मुझसे रहा नहीं जा रहा था। कैसी है फरा? फरा की तबीयत अब बेहतर है। अच्छा हुआ था कि उसे सही वक्त पे हॉस्पिटल लिया। तुम्हें उसको अचानक ऐसे मना नहीं करना चाहिए था सर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो बात उसे कल पता लगनी थी आज पता चल गई। सब मेरी वजह से हो रहा है। फजूल बातें नहीं करो यार। लोग एक तो वैसे मुझे इतनी टेंशन से ऊपर से। असद, अम्मी, अम्मी, असद तुम्हें डॉक्टर्स बुला रहे हैं अंदर। उस अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लुबना हो ना? जी। देख लिया तुमने कितनी बड़ी कयामत होती है हमारे खानदान पे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी प्लीज, ये सारी कयामत फरा की अपनी बर्बाद की। उसकी हरकत के लिए आप लुबना को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। उसकी हरकत भी इसी की वजह से है। लगा के हमारे खानदान में अब तमाशा देखने आ गई है। अम्मी प्लीज, एक बात कान खोल के सुन लो। फरा मेरे बेटे से बचपन से मंसूब है। बहू तो मेरी वही बनी। तुम अपने दिल में कोई आस उम्मीद मत रखना। आप गलत समझ रही आंटी, अगर आपको कोई गलत फहमी हो गई। अगर तो... ये सब कुछ करके तुम किस ढिटाई से मेरे सामने खड़ी सफाइयां दे रही हो? अम्मी आप प्लीज अंदर जाइए, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, ना ही ये जगह। ठीक है, वक्त तो शायद बहुत पहले गुजर चुका है। अम्मी आप प्लीज अंदर जाइए नबी खाना के पास। खाला अगर आ गई तो यहाँ पे तमाशा हो जाएगा। आप प्लीज जाइए। और लुबना तुम भी अभी जाओ यहाँ से। अभी नहीं, तुम हमेशा हमेशा के लिए जाओ। कि हम सबके लिए बेहतर होगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी अगली मुलाकात असद से कब्रिस्तान में होगी, इसकी माँ की कब्र। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? चलो असद अंदर आओ। रुकना, I'm sorry, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी अम्मी परेशान है, टेंशन में, इस वजह से तुम्हें बुरा भला बोल गई। तुम प्लीज बुरा मत मानना। नहीं असद, मैंने बुरा नहीं माना। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। तुम जाओ ना उनके पास वरना वो और नाराज हो जाएंगे। तुम भी अभी कर जाओ, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बेटा आराम से बैठो, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। तुम इसका ख्याल रखो, मैं कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ इसके लिए। जी खाला जान। ये क्या बेवकूफी की तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, मर जाती तो? अगर मेरी जिंदगी में असर नहीं है तो मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए। हम सब भाई से बात कर रहे थे ना, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी जगह कैसे किसी को दे सकता है कुमार। कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकता है? वो कैसे किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच सकता है?
मैंने असद से बहुत मोहब्बत की है, लोगों के समझाने की नौबत क्यों आई? वो क्यों नहीं समझता? उसे क्यों नहीं पता कि जितनी मोहब्बत मैं उससे करती हूँ उसे कोई भी नहीं कर सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती असद के बगैर। तुम प्लीज उससे बात करो। हम कर रहे हैं भाई से बात। रिश्ते खिलौने नहीं होते, वक्त के साथ साथ खेल के तोड़ दें। रिश्ते अल्लाह की तरफ से बनते हैं, ना ही बाजार से खरीदे जा सकते। और तुम्हारे तो सामने की बात है, कितने दुख देखे हैं तुम्हारी खाला ने। सुख का सांस नहीं लेने दिया तुम्हारे खालू ने कभी उन्हें। सारी जिंदगी दुख के घड़े में गुजार दी उन्होंने। तुम्हारे खालू ने कितने दुख दिए उन्हें। अल्लाह बख्शे तुम्हारी नानी तुम्हारी खाला के गम में घुल घुल के मर गई। कहती रही कि तुम छोड़ दो सब कुछ, लौट आओ, दुनिया की बातों का जवाब मैं दे दूंगी। लेकिन नहीं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक, उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती, उनके दो बच्चे बस। और अब जब उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा था, उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ इत्मीनान महसूस हो रहा था, तो तुमने उन्हें वो दुख दिया है कि शायद कभी ना भरे। अरे तुमने सिर्फ अपनी खाला को दुख नहीं दिया, तुमने अपनी मां को भी दुख दिया है। जब बच्चे इस तरह रिश्ते तोड़ते हैं ना, तो बड़ों के रिश्ते भी छूट जाते हैं। एक ही बहन है मेरी, उसे नहीं खोना चाहती मैं। कल ही तुम्हारी और फरा की तारीख तय करती हूं। एक लफ्ज मत बोलना, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूं। समझ लेना कि मर गई तुम्हारी मां तुम्हारे लिए। भाई बहुत परेशान है। वो परेशान है या उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है? नहीं, अगर वो फरा से शादी नहीं करना चाहते तो? खबरदार, तुम दोनों भाई बहन ने मिलके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अम्मी या भाई को? खबरदार, जो तुमने भाई को उल्टी सीधी कोई बात कही हो तो। अगर वो मुझे कुछ कहें तो उसे अच्छी तरह बता देना कि जो कुछ माँ ने कहा है ना वो कर घुस रही है। 15 दिन में ही फरा को दुल्हन बना के इस घर में लाऊंगी। जाओ जाके सो जाओ। या अल्लाह, खैर से ये वक्त गुजार दे। क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? मुझे असद से बात तो करने देती। कोई जरूरत नहीं है उस असद से बात करने की, और अब मैं फरा की शादी उससे नहीं कराऊंगा। क्यों? तुम कौन होते हो? तुम्हारा भाई होता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। खामोश हो जाओ तुम लोग, दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। जब मेहरबानों ने कहा है कि वो असद से बात करेंगी और मैं भी मौका दे के बात करूंगी, तो क्या मसला हो गया तुम दोनों को? अम्मा, तुम क्यों करोगी मिन्नतें उसकी? तुम्हें कौन कह रहा है कि उसको जाकर मनाओ? मैं अम्मा को भी खुशामदी नहीं करने दूंगा। चुप
कर जाओ, चुप कर जाओ, तुम खामोश हो जाओ। बस चुप कर आती रहो मुझे तुम। क्यों चिल्ला रहे हो अपनी माँ पर? एक बात सुन लो तुम सब लोग, ना तो मैं असद की उससे शादी होने दूंगा ना इससे। तुम दादी इसको देखिए क्या बोल रहा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। मैं असद को सुबह यहाँ बुलाऊंगी, तुम्हारे सामने डांटूंगी उसे, कान खींचूंगी उसके। मत परेशान हो मेरी बच्ची। आप देखिएगा इसके लिए मैं बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। क्या मतलब? हाँ पाकर असद ने लुमना से निकाह कर दिया।